महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस के 5,560 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 163 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा मौतें पुणे क्षेत्र में हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि आज 6,944 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है, जिसके बाद संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 61,66,620 पहुँच गयी है। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड-19 के कुल मामले 63,59,002 हो गए हैं, जबकि मृतक संख्या 1,34,364 पहुंच गई है। मंगलवार को संक्रमण के 5,609 नए मामले मिले थे और 137 संक्रमितों की जान गई थी। अधिकारी के मुताबिक राज्य में बुधवार को संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 64,570 रह गई है। महाराष्ट्र में संक्रमण मुक्त होने की दर 96.82% है, जबकि मृत्यु दर 2.1% है। जिले में सबसे ज्यादा 811 मामले अहमदनगर जिले से मिले हैं। वहीं 8 प्रशासनिक क्षेत्रों में पुणे क्षेत्र में सबसे ज्यादा 2,342 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद कोल्हापुर में 1,143 मरीजों की पुष्टि हुई है। मुंबई क्षेत्र में 791, नासिक क्षेत्र में 943, लातूर क्षेत्र में 255, औरंगाबाद क्षेत्र में 42, अकोला क्षेत्र में 31 और नागपुर क्षेत्र में 13 मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा 69 लोगों की जान पुणे क्षेत्र में गई है, जबकि कोल्हापुर क्षेत्र में 35 लोगों की मौत हुई है। मुंबई क्षेत्र में कोविड-19 के कारण 25 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। मुंबई शहर में 285 नए संक्रमित मिले हैं और 9 लोगों की जान गई है। वहीं पुणे शहर में 667 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 7 रोगियों की मृत्यु हुई है। आज 2,11,041 नमूनों की जांच की गई है। इसके बाद राज्य में कुल 5,01,16,137 नमूनों की जांच की जा चुकी है। महाराष्ट्र में कुल 4,01,366 लोग घर में पृथकवास में हैं, जबकि 2,676 लोग सरकारी पृथक केंद्रों में हैं। बुधवार को कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप से संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 7 मामले मुंबई से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में कहा कि इन नए मामलों के सामने आने के साथ महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस स्वरूप के संक्रमण के 65 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें कहा गया है कि नए मामलों में मुंबई में 7, पुणे में 3, नांदेड़, गोंदिया, रायगढ़, पालघर में 2-2 और चंद्रपुर तथा अकोला जिले में 1-1 मामले हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।